हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा होगा कई दिनों से अभी खुशी और पर्व के वीडियोज अभी आ रहे हैं। पाखी और नील का प्यारा सा बंधन ऐसा करके उन्होंने एपिसोड स्टार्ट किया है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज आप देख लीजिए प्रोमो से स्टार्ट करके एपिसोड तक। और बहुत ही अच्छा दोनों कर रहे हैं, ऐसे ही सिंपल तरीके से ऐसे ही बना रहे हैं, वहां पर एंजॉय कर रहे हैं सब। तो आप लोग जरूर देखिए, और सब्सक्राइब नहीं किया होता तो नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी का जो इसमें कैरेक्टर दिखाया है, जो स्टोरी दोनों के भाई बहन के प्यार की जो स्टोरी उसमें दिखाई गई है, वैसे ही मेरी बेटी का कैरेक्टर बिल्कुल ही है। वो पूरा पर्व का वैसे ही पूरा ही ऐसे ही ध्यान रखती है जैसा उसमें दिखाया गया है, और पर्व बिल्कुल ऐसा ही। दोनों की जो रियल लाइफस्टाइल, दोनों जैसे रियल उसके स्वभाव वैसे है, वैसी ही स्टोरी इसमें दिखाई गई है। और ये भी एक देखना है उस स्टोरी में कि दोनों बच्चे हैं अपने मम्मी पापा के बिना कैसे रहते हैं, और वो पाखी है वो कैसे मैनेज करती है अपने भाई को, घर को, मम्मी पापा के बिना भी। तो ये एक अच्छी स्टोरी है और आप लोग जरूर देखिए। और मेरी बेटी बहुत ही अच्छा कर रही है, प्राउड ऑफ माई चाइल्ड। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे है, मैं बहुत ही खुश हूँ दोनों के लिए। और आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिए कि दोनों का परफॉर्मेंस कैसा है, और आप लोग भी जरूर देखिए वो वाला पाखी और नील का प्यारा सा बंधन वो करके है। तो वो भी दोनों के एपिसोड आ रहे हैं, वो भी देखिए। और ऑनलाइन ऑर्डर किया था हनी इंडिजीनियस करके हनी का ब्रांड है ये, तो इसको भी आज ही पार्सल अभी आया है। तो मैं अभी इसको खोल के देखती हूँ कि कैसा है अंदर से। और इसका जो ये ब्रांड भी अच्छी है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, प्योर ऑर्गेनिक ही है ये, शायद सोमनाथ वेरावट के पास की है। अभी ये ब्रांड का इसके साथ सर्टिफिकेट भी आया है, पेस में है ये सब। ये अभी है, पैकिंग भी अच्छा है, देखो बिल्कुल सेफ, टूटेगा भी नहीं। चार दिन में इसकी डिलीवरी मिली है, और इसकी प्राइस है 520। और बहुत ही अच्छी ब्रांड है ये, तो इसका ये फ्लेवर के हिसाब से भी मिलता है, आप जो चाहे वो फ्लेवर भी ले सकते हैं। ये वाइल्ड हनी है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक वाइल्ड हनी, बहुत ही अच्छा है ये, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। और वैसे खुशी यहाँ पर जब थी तब कुछ छोटे वाले इयररिंग्स उसको पसंद थे, अलग अलग पहनना, तो वो सब पहनती रहती थी। और अचानक से उसको गांव से ही सीधा मामा के यहाँ पे गई है, तो एक ही था झुमका वो पहन के गई थी, और उसको चुभ गया था अभी थोड़ा गर्मी के सीजन में। तो उसकी नानी मेरी मम्मी को ये अच्छा नहीं लगा कि छोटी बच्ची है तो ये नहीं पहनाना चाहिए, तो वो अभी उसके लिए, अभी थोड़े दिन पहले उसका बर्थडे था तो उसके लिए बाली लेके आई गोल्ड की, तो वो भी उसने पहन ली है। और मुझे वीडियो कॉल में बताया था कि मम्मा मुझे नानी ने बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट मुझे दिए, बहुत ही खुश होती है। कुछ भी कोई छोटी छोटी गिफ्ट भी उसको देता है तो बहुत ही खुश हो जाती है, कोई भी चीज़ हो तो बहुत खुश होती है। तो उसको ये बाली मिली है तो बहुत ही खुश है बोल रही थी। और इसकी वीडियो क्लिप भी छोटी सी आई है, वो भी मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छे से खेलते हैं,
सभी वीडियोस मुझे भेजते हैं, तो वो अभी आप सबके साथ में शेयर करूंगी और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश है उसकी वजह से। हाय फ्रेंड्स, अभी हम खाना खा रहे हैं और मेरे बर्थडे के बहुत सारे दिन हो गए, पर फिर भी नाना और नानी ने ये वाली बाली ले दी, आप देख सकते हो गोल्ड की है। और लॉकडाउन था तो अभी मेरे बर्थडे पे तो नहीं आई, लेकिन दो तीन बाद दिन बाद तो आ ही जाती है, तो लॉकडाउन खुला तो अभी ले जाकर दे, मुझे देखते बहुत अच्छी है। अभी हम गए थे और ली हमने और खाना खा रहे आई थिंक 12:01। अब बहुत सारी भूख भी लगी है, चलो आप भी कुछ खो फ्रेंड्स, मैं कुछ आराम से खाने बोला नहीं है कुछ। खुशी के कानों में बाली नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुशी को बाली बर्थडे के गिफ्ट में। पर वो मामा के यहाँ बहुत ही एंजॉय कर रहा है, अभी वो सबसे मेरे छोटे चाचा है उसके साथ खेल रहा है, उसको बैट बॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो सब खेलता रहता है और कोई ना कोई उसके साथ खेलता ही है, इसलिए उसको बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर, बहुत ही एंजॉय करता है। और यहाँ पर मेरे मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर दिव्या दोनों भी ये चना पीस रहे हैं, तो साइड में ये सब चल रहा है काम। और खुशी बहुत ही खुश है क्योंकि उसको नानी ने गिफ्ट की है गोल्ड की बाली, तो बहुत खुश थी वो, मुझे वीडियो कॉल पे बता रही थी। अभी यहाँ पर पर्व की बारी आ गई है क्रिकेट में बैटिंग करने की, और वैसे बड़ों के साथ खेलता है तो बहुत ज़्यादा चीटिंग भी करता है, और सब उसको ये सब करने देते क्योंकि सबको ये सब अच्छा लगता है, इसलिए ये सब उसकी मस्ती यहाँ पर सब चलती रहती है। यहाँ पर है मेरे छोटे चाची, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और खुशी है वो अपने मासी के साथ वीडियो क्लिप बना रहे हैं, शूटिंग सब चल रहा है उसका, रील्स वगैरह सब बनाती रहती है, तो वो भी वो सब कर रहे हैं मासी के साथ, तो ये सब कभी टीवी देखना, कभी ये वीडियो बनाना और पर्व को ये सब खेलना, ये सब बहुत एंजॉय करते रहते हैं। कभी कभी सुबह के टाइम उस मेरे चाचा के साथ फार्म पे भी जाते हैं, तो वहाँ पर मिट्टी से खेलना वो सब भी करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी फार्म पे भी बहुत ही एंजॉय करते हैं। और खुशी अभी यहाँ पर आ गई है नानी के पास। नहीं
बहुत भारी है, पत्थर की तरह। पत्थर ही है लेकिन ये टीशर्ट क्या ऐसा ही है, देखो सीधा सी वैसी रही। अबे तो देख मिल गए तो ये तो जोयो जोयो आउट कियो। ये पीसी है क्या आपने पीस गई? अभी दोनों बच्चे यहाँ पर बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, छत पे आ गए हैं। फिर पर्व को क्रिकेट ही खेलना है तो साथ में वो बैट लेके आ गया है। वैसे कपड़ा वॉश करने वाला है ये, तो अभी दीदी को परेशान कर रहा है कि मेरी बारी है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए ब्लॉग में, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। हंसते रहिए, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।